हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में टाइप 11 की ओर। ठीक है, टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। टाइप 10 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में से प्ले कर सकते हो। टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। एक वृत्त के बिंदु ए और बी, ठीक है, पर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, मतलब दो टेंजेंट खींची जाती है। और याद रखना, इस टाइप से दो टेंजेंट होती है, वो आपस में बराबर होती हैं। O उस वृत्त का केंद्र है, सेंटर पॉइंट हमें O दे रखा है। एंगल AOP 60 डिग्री, तो APB कितना होगा? तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी 60 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, ध्यान से समझना अच्छे से। एक मेरे पास सर्कल है, सबसे पहले समझ लो, ठीक है। एक मेरे पास सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट हमें ओ दिया हुआ है, ठीक है, ओ सेंटर पॉइंट। एक बाहर एक बिंदु पी है, ध्यान से समझना, ठीक है। एंड दो टेंजेंट रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हिंदी में, जो कि खींची जाती हैं, ठीक है। इनका नाम है ए और बी। यहां से इसे अगर मैं टच कर दूं, मिला दूं, यहां से ये लंब होता है, ठीक है, टेंजेंट पर। और यहाँ पर ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सबसे पहली बात। इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहूँगा। वैसे तो मैंने वीडियो में बता दिया है कि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, सबसे पहला पॉइंट। ये त्रिज्या है सेंटर की, ये भी त्रिज्या, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? कि हाँ, बिल्कुल होंगे ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये कॉमन होने के कारण दोनों में सेम हो जाएगी, ये भाई बीच की लाइन कॉमन है। तो एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी छोड़ दो, पहले समझ लो। तो ट्रायंगल एओपी, ठीक है, एओपी, ट्रायंगल पीओबी, कुछ भी लिख लो, ये जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल पीओबी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि, और देखो यहाँ पर भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, तो फिर इसके एंगल भी समान हो जाएंगे। ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, ये नीचे वाले एंगल के समान हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर ये वाला एंगल अगर ठीठा है, तो ये भी एंगल ठीठा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल मान लो एक्स है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये भी आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों तो आपस में समान हैं, ये 90 डिग्री के हैं। बीच वाली रेखा कॉमन है, याद रखना ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर है, ये त्रिज्या होने के कारण बराबर है, ठीक है। एंड इस वाले ट्राइंगल का मतलब, ये क्वाड्रिलेटरल जो आपका बन रहा है, जिसमें तीन साइड तो सेंट मतलब वृत्त के अंदर हैं, तीन कॉर्नर और एक कॉर्नर बाहर है। और इसी चीज़ को हम ये भी बोलते हैं कि ये एक साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। ये भी हमारा क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये नोट कीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा जिन लोगों ने बेसिक वीडियो नहीं देखी, तो उनके लिए मैं पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट और कि मान लो यहाँ से एक टेंजेंट स्पर्श रेखा जो है खींची जाती है, और मान लो यहाँ से एक जीवा दूसरी जीवा इस टाइप से बना दी जाए, तो याद रखना ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये अंदर वाले इस एंगल के बराबर होता है, समझ गए। अगर ये वाला एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स होगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर आप लोगों को याद हैं, सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, 90-90 हो गया, रेखा बराबर हो गई, तो इसके बाद आसान हो जाएगा टाइप। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और उसे कर भी लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, अलग से नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक, जो कि आपको रिवाइज हो जाए, जिससे आसानी से ये टाइप हो जाएगा। चलो अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। कराने को मैं भी क्वेश्चन करा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन बात ये है, मेरा काम कराना तो है, लेकिन आप लोगों को सिखाना भी है,
सबसे बड़ी बात जो मैं लेकर चलता हूँ, आप लोग सीख जाओ, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में बोला गया है कि एक व्रत है, ध्यान से समझिएगा, एक व्रत है मेरे पास, ठीक है, जिसमें सेंटर पॉइंट ओ है एंड यहाँ पर टेंजेंट बाहर काटते हैं और ये पॉइंट है पी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी बिंदु पर मिलते हैं, ए और बी, हमें दिया हुआ है क्या, एंगल ए ओ पी, ए ओ पी, मतलब कहने का ये, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ए ओ पी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना, 60 डिग्री, याद रखना। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये हो गया मेरा 90 90, जब ये दोनों 90 90 हैं तो ये दोनों, अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया अभी, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, आप बोलो हाँ होगा, 60 60 120, एंड इस एंगल का सम, इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, 180 में से 120 चले गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पूरा का पूरा 60 डिग्री का, 60 और 60 60 दिया, 120 दिया, चेक कर लीजिए, ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी 60 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा हो गया 120 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा 120 तो ये पूरा कंप्लीट कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन ए पी बी पूछ रहा है आपसे, ए पी बी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आंसर, 60 डिग्री, क्वेश्चन ने भी एंगल ए पी बी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और याद रखना एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल फिर लिख देता हूँ मैं जिससे याद रहे, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए होते हैं, ठीक है, आंसर हो गया आपका 60, ज़्यादा कुछ था नहीं, अगर ये 60 तो ये 60, पूरा हो गया कितने का, 120 का, पूरा कितने का हो गया, 120 डिग्री का, एंड 180 में से माइनस कर देंगे 120 तो बचेगा कितना मेरा, 60 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में सिखाऊंगा, ठीक है, बस शर्त कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा और कुछ नहीं, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे, देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन ने बोला ओ केंद्र वाले एक वृत्त ए और बी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा टेंजेंट पी पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, तदनुसार ए ओ बी 120 डिग्री है तो हमसे अनुपात पूछा, बिल्कुल सिंपल सेम है इस क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट था, एक मेरे पास वृत्त है, यहाँ से एक टेंजेंट ये पॉइंट पी पर मिलती हैं, ए पॉइंट इसका नाम है, बी पॉइंट इसका नाम है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर काटते हैं, सीधी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या दिया, ए ओ बी 120, ए ओ बी 120 मतलब ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी तो ट्राइंगल एंगल ए पी बी कितना हो गया मेरा, 60 डिग्री हो गया, रेशियो क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए, ए पी ओ, ए पी ओ, ओ का मतलब है क्या, इसका आधा, क्या पूछ रहा है भाई, इस पॉइंट का आधा पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, मैंने अभी बताया 60 डिग्री पूरा है तो ये दोनों बराबर हो जाते, तो इसका मतलब है 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखो, एंगल ए पी ओ, ए पी और ओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है सिर्फ आधा एंगल, मतलब 30 डिग्री, तो एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे अनुपात 30 एकम 30 होता है, 30 दुनी 60 होता है, 2:1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 2:1 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 क्या बोल रहे हैं,
थ्री ने हमसे बोला एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ओके, उसका एक बाहरी बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वृत्त है मेरे पास, एक बाहरी बिंदु जो कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन ने बोला है हमसे, क्वेश्चन ने बोला है वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, उस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर मान लो, नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी ले लो, एक इस टाइप से एक मेरे पास स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींची गई मैंने इस पॉइंट पे, ठीक है, एंड यहाँ से ये मेरी हो गई त्रिज्या, त्रिज्या हमें दे रखी है 6। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 90 डिग्री होता है, तो 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, ट्रिपलेट पढ़िए, 3 4 5, 5 से जब ये 10 बना, 3 से बन गया 6, तो 4 से कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 8, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिएगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस स्पर्श रेखा टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, तो टेंजेंट की लंबाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, आंसर कितना हो जाएगा 8। फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, अभी तक नहीं दबा जाता हूँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, R1 और R2 त्रिज्या वाले एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दो मेरे पास वृत्त हैं, ठीक है, R1 और R2 बोलने का मतलब है कि एक वृत्त बड़ा होगा और दूसरा वृत्त छोटा होगा, क्योंकि भाई दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, अगर सेम होती तो R ही दे देता बस, ठीक है। ये जो पॉइंट पर इन मतलब मिल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो पॉइंट दिया हुआ है हमें A, ये वाला जो पॉइंट है वो हमें क्या दिया हुआ है A पॉइंट दिया है, इसका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है ये हो गया सेंटर पॉइंट, और ऊपर थोड़ा सा ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी तो रेडियस है R2 मान लो, ठीक है, इसकी रेडियस होगी R1, R1 और R2 हमारे पास दोनों की रेडियस है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ इतना दिया है, आगे देखो, ए बिंदु पर स्पर्श करते दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ, मतलब एक सीधी रेखा यहां से लेके, ठीक है, ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट हो जाएगा Q, PQ एक स्पर्श रेखा दोनों जो कि दोनों को टच करी, तदनुसार PQ का स्क्वायर क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं PQ का स्क्वायर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे, ठीक है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहली बात, ये R2 है, एक बात बताओ आप लोग, ये PQ है, अगर मैं यहाँ पर इसे लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इससे इसे मिला दूँ, तो एक बात बताओ, ये PQ है तो ये भी तो मेरी क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी, ठीक है। इसे मैं स्पेशली नाम नहीं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन PQ का स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो अगर ये PQ है तो ये भी PQ हो गई, ठीक है। एक बात बताओ, ये पूरी है मेरे पास क्या R1, कितनी है R1 दी गई है, अगर मैं R1 में से इतना माइनस कर दूं, मतलब R2 माइनस कर दूं, ये वाला हिस्सा हटा दूं, तो बचेगा कितना ऊपर वाला, तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है R1 माइनस R2, बोलो, क्योंकि कंप्लीटली कितनी त्रिज्या है इसकी, भाई कंप्लीट त्रिज्या है R1, बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ गए, ओके। अब आगे देखिएगा कि हमसे पूछ रहा है PQ का स्क्वायर, तो एक बात बताओ, यहां से आप इसे मिला दो, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये त्रिज्या हो गई, तो ये तो R2 हो गई, और इस पॉइंट पर तो इस स्पर्श ही कर रहे हैं, दोनों टच कर रहे हैं, ये R2 हो गई, ये R1 हो गई। एक बात बताओ, ये यहाँ पर मान लो 90 डिग्री पर है, ये हो गया मेरा क्या हाइपोटेनस, तो जो कि दोनों जुड़ जाएंगी, यहाँ पर R1 R2 है, यहाँ पर PQ है, तो PQ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 2 का होल स्क्वायर में से, या हाइपोटेनस है हाइपोटेनस में से माइनस कर देंगे R1 माइनस R2, यही तो पार्ट माइनस करना है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, बस इतना सा। अच्छा, ये मेरा A, ये देखो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार तो प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जब मैं इन्हें प्लस करूंगा, तो प्लस करने पे क्या होगा, देखो R1 प्लस R2 एज इट इज लिखा जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा, अब यहाँ पर प्लस करने पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो R2 से R2 कटेगा, 2R1 बचेगा,
ठीक है, एक बार प्लस कर लिया मल्टीप्लाई, एक बार माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2R2 बचेगा क्योंकि R1 कट जाएगा, 2R2 बचेगा, तो 2 2 जा 4 R1 R2, ये हमारा राइट आंसर होगा, समझ गए, 4 R1 R2 मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर तो हमसे पूछा है तो इसलिए हमने स्क्वायर हटाया ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, फिफ्थ वाला देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 क्या बोल रहा है, 5 ने हमसे बोला है ए और बी दो वृत्त के केंद्र हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 5 और 2 हैं, तो वृत्तों की अभिनिष्ट अनुस्पर्श रेखाएं बढ़ाई जाती हैं, ठीक है, ए बी जो है पी पे मिलती है तो पी विभाजित करता है ए बी को किस अनुपात में, तो सेम अनुपात में ही होगा जहां तक है, देखो कैसे, एक की त्रिज्या 5, दूसरा वृत्त यहां पर है इस टाइप से, ठीक है, ये दो वृत्त हैं, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है, अब यहां से देखो दो वृत्त हैं मेरे पास, इन दोनों को बराबर लो तब जाकर कुछ होगा, ठीक है, ये वृत्त हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अब ध्यान से समझना, ए और बी दो वृत्त के केंद्र हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी दो वृत्त के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 5 और 2 हैं, कितनी है 5 और 2, अगर ये 5 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने अभी ये नहीं बोला कि ये दोनों स्पर्श करते हैं, हम लोगों ने स्पर्श करता हुआ बना दिया, लेकिन क्वेश्चन में देखो अनुस्पर्श रेखाएं बढ़ाई जाती हैं, मतलब ए बी को पी पर मिलती है, मतलब ए बी जो रेखा है वो आगे बढ़ाई जाती है और ये कहीं पर मिलती होगी, ये पी पॉइंट है, ठीक है, और स्पर्श रेखा जो कि यहाँ से दोनों को टच करते हुए जा रही है, जो कि कहाँ मिल रही है, पी पॉइंट पर मिलती है, एक बात बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ठीक है, ये 90 डिग्री पर काटेगा, ये भी 90 डिग्री पर काटेगा, ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन ने बोला 5 और 2 है, इनकी त्रिज्या हमें पता है 5 और 2, एक बात इन्हें नाम दे दो M और N, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक इस टाइप से ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर ये बेस दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 2, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने पूछा है P विभाजित करता है, P जो है AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो P हमसे पूछ रहा है कि P हमें किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसे निकालने के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले रेशियो की बात करें तो MN, अगर मैं बड़े ट्राइंगल का MN लेता हूँ, ठीक है, MA, क्या बड़े ट्राइंगल का MA अगर मैं लूँगा तो छोटे ट्राइंगल का मुझे क्या लेना होगा, NB बराबर, अगर मैं बड़े ट्राइंगल का PA लेता हूँ तो छोटे ट्राइंगल का मुझे PB लेना होगा, ठीक है, MA और NB की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो MA की वैल्यू है 5/2 बराबर हो जाएगा PA/PB, ठीक है, तो मतलब PA और PB ये जो डिवाइड करेगा किस रेशियो में डिवाइड कर देगा, 5/2 में ही डिवाइड करेगा, तो इसके कहने का मतलब है कि आंसर जो हो जाएगा बाह्य रूप से 5:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाहर की साइड से ये स्पष्ट मतलब विभाजित करेगा उसे पी जो है ए बी को, ठीक है, तो 5:2 ही हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ के, क्योंकि 5 देखो 5 ये बड़े वाले की, तो इसका मतलब है ये पूरी 5 है, पी ए कितनी है मेरे पास, ये 5 है, ठीक है, जिसमें से 2 ये वाला पार्ट होगा, ये 2 है ये भी 2 होगी, एंड ये 2 है तो ये 3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 5 है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा, 5:2, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं और किस टाइप से आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स ने बोला पी ए और पी बी बाह्य रूप का बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पी बी बाहर बिंदु एक पी है जिससे एक स्पर्श रेखा इस साइड में आ रही है, एक स्पर्श रेखा इसमें ए और बी ये पॉइंट पी से आ रही हैं, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ है, यह हमें बोल रहा क्वेश्चन। आगे देखो ओ केंद्र है हमारे पास, ए तथा बी स्पर्श बिंदु है, चतुर्भुज ओ ए पी बी आवश्यक होगा, ये क्या होगा? तो आप लोगों से पूछ रहा है कि ए ओ पी बी जो कुछ भी है, ए पी बी ओ, ये मेरा कौन सा हो जाएगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज बनता है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। आयत तो आपको देखने से लग नहीं रहा, वर्ग लग नहीं रहा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा एक सम चतुर्भुज, तो ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम चतुर्भुज तो नहीं होगा भाई, रोमबस तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे किसी एंगल से, तो फर्स्ट भी गलत है, आयत है नहीं, ठीक है, एंड सम चतुर्भुज भी नहीं है, रोमबस भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाया जाएगा, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की ओर चलते हैं, सेवेंथ क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा, सेवन क्या बोल रहा है आपसे, सेवन ने बोला है एस आर क्रम से 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों की जिनके केंद्रों में 13 सेंटीमीटर की दूरी है, जिनके केंद्रों में दो वृत्त हैं 8 और 3 मतलब छोटे बड़े होंगे, दोनों की त्रिज्याएं अलग हैं, तो फिर हमारे पास जो वृत्त होंगे वो भी छोटे बड़े होंगे, दोनों के सेंटर पॉइंट में जो दूरी दी गई है वो कितने की, 13 की है, कितना है ये मेरे पास 13 दिया हुआ है, ठीक है। और इनकी हमें त्रिज्या भी पता है, त्रिज्या कितनी कितनी है भाई, त्रिज्या 8 और 3 है। एक बात बताओ, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इस टाइप से ले लो, ठीक है, यहाँ से ये होगी मेरे पास 3, ध्यान से समझो 8 और 3 त्रिज्याएं दे रखी हैं। आगे क्वेश्चन ने बोला है अनुस्पर्श रेखा यदि बिंदु एस आर संपर्क के बिंदु हैं, एस आर जो है संपर्क के बिंदु हैं, ठीक है, एस आर की लंबाई क्या होगी, मतलब एस और पॉइंट आर ये दोनों संपर्क के बिंदु हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी हमसे ये पूछा है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई निकालनी है तो मुझे इसकी लंबाई निकालनी चाहिए, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए ये 3 है, तो ये देखो 3 तो नीचे हो जाएगा, डायग्राम को मत देखो समझो बस, 3 ये है तो 3 ये, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 ये है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 13 हाइपोटेनस यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के बीच केंद्र के बीच में दूरी 13 है, 5 तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, तो एस आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 12 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 क्या बोल रहा है, 8 ने हमसे बोला है पी केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास, ठीक है, पी केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास ए बी के छोरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि बिंदु सी पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं को क्यू आर पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब डायग्राम देखो भाई, डायग्राम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले एक मेरे पास वृत्त है, सबसे बड़ा काम है डायग्राम, अगर बना लिया तो आसानी से कर लोगे, पी पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यास ए बी के छोरों पर, मतलब ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ए बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, इन दोनों पॉइंट पर हमने क्या किया, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई इस टाइप से, ठीक है, जो कि स्पर्श रेखा एक तरह से पैरेलल लाइन होंगी यहाँ पे। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बिंदु सी पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं को क्यू आर पर काटती हैं, मतलब मान लो कि सी पॉइंट यहाँ, मान लो कि ये पॉइंट मेरा सी है, और इस पॉइंट पर क्या होता है,
कि क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्यू पॉइंट यहाँ से देखो, इस पॉइंट पर मतलब यहाँ से मैंने ये इसे सी पॉइंट को काटते हुए ये मेरा हो गया क्यू और आर। क्यू और आर पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। एक दूसरा जो है हमारे पास टेंजेंट है, आगे देखिएगा तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर मतलब यहाँ से लेके इस सेंटर तक पॉइंट, ये हमारा जो एंगल है ये कितने का होगा ये हमसे पूछा गया है भाई। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक समझा बस। ये क्या है मेरा ए बी, और आप लोगों को पता है कि वृत्त के व्यास पर अगर एंगल बनता है जो कि ऊपर स्पर्श रेखा मतलब परिधि को टच करता है तो ये 90 डिग्री का बनता है। ये व्यास है, ये भी व्यास है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये दोनों को टच कर रहा है, यहाँ से भी, ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों को टच कर रहा है। मैंने क्या किया, इसे उल्टा कर दिया, ये वाली लाइन ऊपर बना ली और ये वाली लाइन अंदर बना ली। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बन जाएगा। कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा, समझ गए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर, ये वाली अगर दोनों पैरेलल ले लोगे तब भी आप कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का जो सम है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन वहाँ से लेंथी होगा, करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस इस बेसिक को याद रखो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ए बी एक वृत्त की जीवा है जो कि पी ए टी मतलब ए बी वृत्त एक वृत्त की जीवा है जो कि पी ए टी वृत्त के ए पर स्पर्श करती है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम पता नहीं किस टाइप से है, पी ए ए पॉइंट तो ये हो गया, मान लो ये बी पॉइंट है मेरे पास, एक जीवा है ना ए बी, ए बी वृत्त की जीवा है पी ए टी, ये पी ए, ये ए और ये टी, पी ए टी वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, पी ए टी स्पर्श रेखा हो गई, सीधी सी बात है। आगे देखो बी ए टी एंगल 75 डिग्री है, बी ए टी, बी ए टी मतलब ये 75 डिग्री एंगल है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बी ए सी 45, बी ए सी, अब सी पॉइंट कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है कहीं पे, बी ए सी मतलब ये वाला जो एंगल है कितने का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो सी एवं सी वृत्त पर एक बिंदु है, ठीक है, एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब ए बी और सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये एंगल कितना होगा, सीधी सी बात है ये 75 तो ये 75 हो गया, सबसे पहली बात, 5 ऐसे 80 4 120, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, नोट कीजिएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ब्रेन यूज़ करो, पॉइंट याद रखो तभी कर पाओगे, ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है, इतना टफ भी नहीं है जितना टफ आप लोगों को लगता है। चलो पॉइंट अगर याद है सारे तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 क्या बोल रहा है, 10 ने हमसे बोला है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो बिंदु हैं ए और बी पर स्पर्श रेखाएं पी प्रतिच्छेद करती है, मतलब डायग्राम देखिए किस टाइप से है, एक मेरे पास वृत्त है, ठीक है, वृत्त है और यहां पर ओ पॉइंट है, यहां से एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और पी पर दो स्पर्श रेखाएं मिलती हैं पी पॉइंट पर, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन बोला है एंगल ए ओ बी 5 है, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल 5 है, क्वेश्चन पूछ बोल रहा है आगे ए पी बी, ए पी बी ये है मेरे पास 1, आप लोगों को पता है 5 और 1 जोड़ने पर मेरा 6 होता है, लेकिन 6 का मान 180 डिग्री होता है, पता है, एक रेशियो का मान 6:18 मतलब 30 डिग्री, तो एक का मान 30 है तो इससे हटा तो भाई रियल में ये है कितना, 30 डिग्री लिखा हुआ है, रेशियो में 5 बोलेंगे लेकिन ये अगर मैं डिग्री में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 मतलब 150 डिग्री हो जाएगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ए पी बी का मान, ए पी बी एंगल ए पी बी
इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 30 डिग्री। यह हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।